क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन को ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आप लोग मिस ना करें। यहाँ पर हमने ले लिया है 2 चम्मच लगभग मैदा ले लिया है और 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर और यहाँ पर चावल का आटा बहुत ही महीन हमने पीस लिया है चावल को मिक्सी में और उसको छान लिया है। ये तीनों चीज़ें ले ली। अब यहाँ पर ले लेंगे 2 से 2.5 चम्मच हमारे पास मैदा और 1.5 चम्मच के करीब आरारोट और या कॉर्नफ्लोर या आरारोट कुछ भी ले लीजिए, वो दोनों को खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए मिक्स हो गया हमारा। अब हम नमक लेंगे और इसमें 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे एक अंदाज से। और यहाँ पर गरम मसाला ले लिया हमने, 1 से 1.5 चम्मच गरम मसाला डाला है और लाल मिर्च, थोड़ा स्पाइसी बनानी है इसलिए हम बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो थोड़ा कम डाल सकते। और यहाँ पर पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमें, इसका एक पेस्ट बनाना है, वो पेस्ट ना गाढ़ा होगा ना बहुत पतला होगा। ये देखिए इस तरीके से बन गया हमारा पेस्ट। ये देखिए अब हमने क्या किया है, हमारे पास ये पनीर के टुकड़े हमने बिल्कुल एक साइज़ में चौकोर चौकोर लंबे लंबे काट लिए, जैसे फ्रेंच फ्राई बनता है इस तरीके से। और अब हम पनीर को लेंगे एक एक और इसमें डिप कर लेंगे कॉर्नफ्लोर और मैदे वाले पेस्ट में, बिल्कुल ऐसे तरीके से करके। अब हम चावल के आटे जो हमने लिया था चावल का पिसा हुआ आटा इसमें डिप करके अब हम ऑयल में डाल देंगे। इसी तरीके से हम सारे डाल लेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा स्नैक्स है और बिल्कुल अलग सा है, स्पाइसी बनता है और चाय के साथ आप इसको बहुत ही खा सकते हैं। कोई भी आपके घर में मेहमान आए या वैसे भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल अलग सा स्नैक्स है ये। देखिए बिल्कुल इतना क्रिस्पी बनता है कि बिल्कुल आवाज़ आती है इसमें से, ये देखिए बिल्कुल कड़क आवाज़ आती है, ये सॉफ्ट नहीं बनेगा बहुत ही करारा बनेगा, अंदर से सॉफ्ट रहेगा ऊपर से करारा रहेगा। ये देखिए तोड़ के दिखाते हैं आपको, ये देखिए इसी तरीके से हम दूसरा भी फ्राई कर लेंगे। इसको बहुत ही ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी हमने डाला है और जीरा डाल दिया है, बहुत ज़्यादा हमें ये घी हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने फ्राई किया। यहाँ पर हमने स्प्रिंग अनियन ले लिया है, इसका छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया इसको महीन महीन, और जो आगे का वाइट वाला होता है स्प्रिंग अनियन का इसके पतले पतले लच्छे काट कर हम इसको सबसे पहले डालेंगे कढ़ाई में। ये देखिए यहाँ पर आप सिंपल प्याज भी डाल सकते हैं लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप प्याज डाल लीजिए लंबे लंबे काट के। यहाँ पर हम 1 चम्मच ऑयल और डालेंगे, छोटी 1 चम्मच। ये देखिए हमें कम लग रहा था, हमने 1/2 चम्मच देसी घी डाला था और 1 चम्मच ऑयल। अब हम ये हमने जो स्नैक्स फ्राई किए थे ये डाल देंगे, देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है इसमें से। खूब अच्छे से इसको हम मिला लेंगे चारों तरफ से 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब हमने इसमें नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, चूँकि अंदर भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर हमने गरम मसाला डाला है, चाट मसाला डालेंगे और यहाँ पर हम लाल मिर्च हमने डाला है और खूब अच्छे से मिला लेंगे इसको भी, चूँकि हम मसाले हमारे स्पाइसी अंदर भी थे इसलिए लिए। यहाँ पर नींबू का रस डाल देंगे, 1/2 नींबू हमने डाला हुआ है और मिला लेंगे। तो देखा खट्टा मीठा तीखा इतना बढ़िया स्नैक्स है, आप इसको ज़रूर बनाइए और चाय के संग इसको शाम की चाय में
सर्व कीजिए और अपने अनुभव में शेयर कीजिए। ये देखिए हमने स्प्रिंग अनियन जो काट के रखा था ऊपर से गार्निश कर देंगे। ये देखिए अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में बहुत आराम से बन जाता है ये स्नैक्स। बिल्कुल नया स्नैक्स है, आप इसको जरूर बनाइए और अपने अनुभव शेयर कीजिए। लाइक का बटन दबाना मत भूलिए।